हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली क्राफ्ट आयशा खानम। तो आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ ये मटन के शामी कबाब, जिसे कि आप सभी को पता है ईद का टाइम है, मैंने बनाए हैं ये मटन के शामी कबाब, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बनाने इनको काफ़ी आसान है। अगर आपको ये पसंद है तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिसे आप देख सकते हैं। ये मैंने लिया है मटन का कीमा, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, चने की दाल, 8 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं और ये साबुत लाल मिर्च, साबुत खड़े मसाले लिए हैं मैंने। अब लूँगी मैं एक प्रेशर कुकर, जिसके अंदर डाल दूँगी मैं अपने इस कीमे को, साथ ही डाल दूंगी चने की दाल जिसे मैंने 1 घंटे पहले से भिगो कर रखा था, लहसुन की जवे, खड़े मसाले, थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चे और जाएगा थोड़ा सा नमक। साथ ही इसमें डालूंगी मैं पानी, पानी हम इतना डालेंगे कि हमारी दाल और कीमा अच्छे से गल जाए और हम इसे प्रेशर कुकर में सीटी लगा कर गला लेंगे। ये मैंने अपनी दाल को अच्छे से गला लिया है, आप देख सकते हैं। मैं एक मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छे से पीस लूँगी। मैंने इस दाल को अच्छे से पीस लिया है, साथ ही इसमें डालूंगी थोड़ी सी ये बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से। देखिए मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। मैंने लिए ये अंडा और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। एक अंडा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसे भी अच्छे से डाल के हम फेंट लेंगे। मैंने लिए हैं ये थोड़ा सा कबाब, जिसको मैं अच्छे से कबाब बना लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छे से कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। अब लूंगी मैं एक तवा, तवे पे लगाऊंगी मैं ये तेल, तेल को अच्छे से हम फैला लेंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस की। कबाब को डिप करूंगी मैं ये अंडे के अंदर और मैं सेकूंगी इसे तवे पर। मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छे से सेकें पलट कर। मैं सारे कबाबों को अच्छे से इसी तरह सेक लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने कबाब को अच्छे से सेक लिया है और अब सारे ही कबाब मैंने अच्छे से सेक लिए हैं। आप चाहे तो इसे अंडे लगा कर भी सेक सकते हैं और बिना अंडे के भी इसे सेक सकते हैं। सर्व करूँगी मैं इसे ये प्याज के लच्छे के साथ और साथ थोड़ी सी हरी चटनी। इनको बनाना काफ़ी आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।